हाँ जी, स्वागत है जी थोड़ा साढ़े यूट्यूब चैनल पर। जो जूनियर प्लांट अटेंडेंट ते इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी आई हुई है जी, उस दे लई असी एक फ्री टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसका अज पेपर फर्स्ट है जी। इस दे विच असी जो भी सिलेबस है जी, जिवें 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन दे, 20 पंजाबी दे, 10 जीके दे, 10 रीजनिंग ते इंग्लिश दे, इस पैटर्न दे अकॉर्डिंग असी पेपर बनाया जी। आओ शुरू करते हैं साडा अज दा पेपर, जिस दे विच पहला साडे कोले 50 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन दे होणगे, ठीक है जी। इस दे विच अज साडा फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि तुहानू 3 रजिस्टेंसां दित्तियां होईयां ने सर्किट दे विच, ते एक वोल्ट मीटर दित्ता होया। इस दे विच असी प्रतिरोध दसना है, ठीक है जी, रजिस्टेंस टोटल किन्नी है, ते टोटल करंट दसना है। ये दोनों चीज़ां दसनियां ने असी। जेकर टोटल रजिस्टेंस देखिए तो इस दे विच किन्नी है जी, 1 के ए हो गया, 2 के ए हो गया, 7 के ए हो गया जी, 10 के ओम, ये साढ़े कोले टोटल रजिस्टेंस आ गई, ठीक है जी। सानू पूछा है जी टोटल करंट, करंट किवें कढ़दे हां असी, वोल्टेज डिवाइड बाय रजिस्टेंस। वोल्टेज किन्नी है साढ़े कोले 30, रजिस्टेंस साढ़े कोले किन्नी आ गई 10 के, मतलब के 10,000, 1 के 1,000 दे बराबर होंदी है, ठीक है जी। 0 नाल 0 कट जूगी, ये आ गई साढ़े कोले 0.003, ये की आ गई साढ़े कोले करंट, 0.003 करंट आ जूगा साढ़े कोले, 0.003, ठीक है जी, 0.003 करंट आ गया एंपीयर साढ़े कोले। तां इस दे विच रजिस्टेंस ते करंट पुछिया सीगा, रजिस्टेंस साढ़े कोले आ गई 10 के ओम, ठीक है जी, ते करंट आ गया 0.003। कि बिजली समग्री दा ओह गुण जिस राही उस विच करंट वगदा है, असीं दसना जी ओह केड़ा गुण हुंदा है जी जिस दे राही करंट वगदा है जी। तो इसका आंसर साडा की आऊगा जी, ऑप्शन नंबर सी, चालकता, ठीक है जी। जो चालकता होंदी है जी, वह ही जो एक बिजली समगरी है जी, ठीक है, कोई भी चालक है जी, उस दे विच जेकर यह गुण होगा तो ही उस दे विच करंट बगेगा, ठीक है जी। इसनों असी इंग्लिश दे विच कह दिंदे हां जी कंडक्टिविटी, ठीक है जी, कंडक्टिविटी कह दिंदे हां असी चालकता नूं, ठीक है जी। तो यह किस दा उल्ट हुंदा जी, यह होंगे जी प्रतिरोध का उल्ट। जो चालकता होंगी है जी उसनों असी जी नाल दर्शाने, ठीक है जी, जो प्रतिरोध है जी उसनों आर नाल, ठीक है जी। तो आर साडा किस दे बराबर होगा जी, आर बराबर 1/g, ठीक है जी, यह दोवें एक दूजे के उल्ट होंगे ने, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को, चालकता की इकाई की है, असी दसने जी चालकता की इकाई की होंगी है जी। साढ़े कोल ऑप्शन है जी महो, ओम, महोमीटर, ओम प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर साढ़े कोल की आऊगा जी, ऑप्शन नंबर सी, महो प्रति मीटर, ठीक है जी। जो चालकता की इकाई होंगी है जी वह महो प्रति मीटर होंगी है, ठीक है जी। एक होंगे जी कंडक्टेंस, ठीक है जी, एक होंगी जी कंडक्टिविटी। जो कंडक्टेंस होंगे, ठीक है जी, उसकी इकाई की होंगी है जी महो, ठीक है जी, जिसनों चालकता कहने असी। तो जो कंडक्टिविटी होंगी है जी जिसनों चालकता कहते हैं जी, उसकी इकाई महो प्रति मीटर होंगी है, ठीक है जी। ये तुसीं ध्यान में रखना जी, जेकर साढ़े कोल चालकता आ जाए तो असी महो मीटर लगाना है, ठीक है जी, महो प्रति मीटर। जेकर साढ़े कोल चालक तवा आ जाए या कंडक्टेंस आ जाए तो असी महो लाना है, ठीक है जी, ये ध्यान दे विच रखना जी। असी ओम की इकाई है जी, यह है जी प्रतिरोध की, ठीक है जी, जिसनों रजिस्टेंस कह दें असी। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल जी, किस लई EMF दे स्रोत की लोड़ पैंदी है। जो इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स होंदी है जी उसकी लोड़ असी दसने जी कादे वास्ते पैंदी है जी। तां तुहाडे सामने ऑप्शन ने जी, इलैक्ट्रॉनां नूं रोकण लई, परमाणुआं नूं इलैक्ट्रॉन नाल इंसुलेट करन लई,
इलेक्ट्रॉनों नूं गति प्रदान कर ली या कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जूगा जी? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों नूं गति प्रदान कर ली। जो ई एम एफ होंगी है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वह इलेक्ट्रॉनों नूं गति प्रदान करने के लिए स्रोत दे वजों वरती जाती है। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को जी, शॉर्ट सर्किट होने ते सर्किट विच किन्ना करंट वगदा है? असी दसने जो शॉर्ट सर्किट हो जाए जी, उस समय सर्किट विच किन्ना करंट वगद जी? जेकर असी शॉर्ट सर्किट की गल करिए, ठीक है जी, तो यह कदों होंगे जी? जदों साडे कोल सर्किट के विच जो रजिस्टेंस है जी वह जीरो हो जाए, ठीक है जी, तो जो करंट है जी वह अनंत हो जाए। ठीक है जी, करंट उस समय अनंत हो जाएगा, तो रजिस्टेंस है जो साडे कोल वह जीरो हो जाएगी, उस समय की होगा जी? शॉर्ट सर्किट। ठीक है जी। एक होंगे जी ओपन सर्किट, ठीक है जी, ओपन सर्किट होंगे जी, इस दे विच की होंगे जी? इस दे विच उल्ट होंगे शॉर्ट सर्किट का, इस दे विच जो रजिस्टेंस है जी वह अनंत हो जाएगी, ठीक है जी, तो जो करंट है जी वह जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, इस दे विच उल्ट होंगे जी। जेकर शॉर्ट सर्किट है तो रजिस्टेंस जीरो हो जाती है, जेकर ओपन सर्किट है तो रजिस्टेंस अनंत हो जाती है। ठीक है जी। तो इस दे विच सानू पूछे जी शॉर्ट सर्किट समय सर्किट विच करंट किन्ना वगदा है, तो किन्ना वगेगा जी शॉर्ट सर्किट समय? तो असीं दसणे किन्ना वगेगा शॉर्ट सर्किट समय करंट, तो यह हो जाएगा जी अनंत। ठीक है जी, शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट विच करंट अनंत वगेगा। ठीक है जी, ये दोवें ध्यान दे विच रखने ने, शॉर्ट सर्किट ते ओपन सर्किट। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल जी, एक अजिहा बिजली सर्किट जिस विच अनंत प्रतिरोध हुंदा है। तो असीं हुण पिछे करके गए हैं जी कि रजिस्टेंस किस दे विच अनंत हुंदा जी, तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, ओपन सर्किट दे विच। ठीक है जी, ओपन सर्किट दे विच रजिस्टेंस अनंत हुंदा जी, तो जो करंट है जी वह जीरो हो जाता है। ठीक है जी, तो शॉर्ट सर्किट दे विच उल्ट हुंदा है। ठीक है जी, आओ जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असीं। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ने जी, सो ध्यान नाल देखने ने जी। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल, एक खुले सर्किट विच की हुंदा है? चाहे खुला सर्किट आ जाए, ठीक है जी, चाहे सानू ओपन सर्किट कह देना, ठीक है जी, इको गल है जी। तो की हुंदे जी ओपन सर्किट दे विच? इस दे विच की होवेगा जी? करंट जीरो होवेगा ते प्रतिरोध अनंत होवेगा। तो साडा किहड़ा ऑप्शन आऊगा जी? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध अनंत ते करंट जीरो। ठीक है जी, ये ऑप्शन आ जाऊगा साडा बिल्कुल सही है जी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े कोल, अजिहा सर्किट जिस विच ना तो ऊर्जा स्रोत है ते ना ही ई एम एफ स्रोत। ठीक है जी, ई एम एफ की होंगे सानू दस्सिया सी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जेकर साडे कोल ना तो ऊर्जा स्रोत होवे ते ना ही ई एम एफ स्रोत होवे, तां उह सर्किट किहड़ा हुंदा जी? वह होंगे जी क्रियाशील सर्किट। ठीक है जी, वह क्रियाशील सर्किट होंगे जिस दे विच ना तो ऊर्जा स्रोत होंगे ते ना ही ई एम एफ स्रोत। तो जो क्रियाशील सर्किट होंगे यह किहड़ा होंगे? जिस दे विच साडे कोल एक ऊर्जा स्रोत होगा, ठीक है जी, अते नाल ई एम एफ स्रोत होगा, वह असी क्रियाशील सर्किट के गिणते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है जी, किहड़ा कथनिक सीरीज अते समांतर डीसी सर्किट लई सही है? सीरीज अते समांतर दोवां लई सही होना चाहिए जी, जो हेठ लिखे कथन ने। पहले जी एलीमेंट विच अलग अलग करंट हुंदा जी, यह गलत है जी। ठीक है जी, क्योंकि जो समांतर हुंदा जी उस दे विच तां अलग अलग हुंदा ते सीरीज दे विच अलग अलग नहीं हुंदा। ठीक है जी, दूसरा जी दोवां विच करंट जुड़दा है, तां यह भी साडा ऑप्शन गलत है जी, क्योंकि सीरीज विच करंट नहीं जुड़दा। ठीक है जी, तीसरा जी वोल्टेज दोवां विच जुड़दी है, तां यह भी साडे कोल गलत है जी, सीरीज विच तां वोल्टेज जुड़दी है पर जो समांतर हुंदा उस दे विच नहीं जुड़दी। तां इहदा साडा सही आंसर की आ जाऊगा जी? ऑप्शन नंबर डी, दोवां विच पावर जुड़दी है। ठीक है जी, वह चाहे सीरीज सर्किट होवे, ठीक है जी, जां पैरेलल होवे, दोवां दे विच ही जो पावर है जी वह जुड़दी है।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साडा, सर्किट विच करंट दे प्रवाह दे विरोध नूं की कहिंदे हन। जो सर्किट दे विच करंट वगदा है जी, उसका जो विरोध करता उसनों की कहने जी असी। यह बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी, इसका आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टेंस। ठीक है जी, जिसनों असी प्रतिरोध भी कह दें। ठीक है जी, उसका ही ना रजिस्टेंस है जी। ठीक है, इंग्लिश दे विच तां इह करंट दे प्रवाह नूं रोकदा जी, उसका विरोध करता है। ठीक है जी, इसलिए इसनों करंट का विरोधी कह सकते हैं जी असी। ठीक है जी, जो कंडक्टेंस है जी, जिसनों असी चालकता कह दें जी। ठीक है, जां चालकता कह दें। ठीक है जी, यह करंट लई रास्ता बनाती है, तो जो रजिस्टेंस है जी, यह उसका विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साडा, कि इन्हां विचों केड़ा लैंप दे समांतर कनैक्शन विच इको जिहा रहिंदा है। साडे सामने ऑप्शन है जी, वोल्टेज, ऊर्जा, करंट या बिजली खपत। असी दसना जी केड़ा है जो लैंप दे समांतर कनैक्शन विच इको जिहा रहिंदा है। तां इहदा सही आंसर क्या जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज। जो वोल्टेज है जी, वह लैंप दे समांतर कनैक्शन दे विच इको जिही रहिंदी है। ठीक है जी, तो यही साडा सही आंसर है जी। जो असी घरां दे विच बिजली कनैक्शन करते हैं जी, वह भी असी समांतर कनैक्शन करते हैं। ठीक है जी, बिजली खपत इसनों असी पावर भी कह दें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, उड़ते जहाज द्वारा पैदा की ऊर्जा कहाउंदी है। जो उड़ता है जहाज होंगे जी, उस दे विच जो ऊर्जा पैदा होंगी है वह कि होंगी जी। साडे कोल ऑप्शन है स्थितिज, गतिज, बिजली। ठीक है, जां ए ते बी दोवें। तां जेकर असीं गल करिए जी कि जो जहाज होंगे जी, उस दे विच जो ऊर्जा जी वह दो प्रकार की पाई जाती है। एक होंगी है जी स्थितिज, ठीक है जी, तो दूसरी होंगी है गतिज। ठीक है, दोवें प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर साढ़े कोल ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी, ए अते बी दोवें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोल जी, बिजली ऊर्जा कितों प्राप्त की जा सकती है। असी दसने जी, जो बिजली ऊर्जा जी वह असी कितों कितों प्राप्त कर सकते हैं जी। तो इन्होंने दसने असी कि आंसर आऊगा जी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा साढ़े को ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सारे। जो बिजली ऊर्जा जी इन्हों सारे ही स्रोतों तो प्राप्त की जा सकती है जी। ठीक है जी, जो यांत्रिक ऊर्जा द्वारा बिजली पैदा की जाती है उसनों असी कहने जी जनित्र। ठीक है जी, जो रसायनिक ऊर्जा द्वारा बिजली पैदा की जाती है उसनों असी कहने जी सैल। ठीक है जी, उसनों असी सैल कहने। जो प्रकाश ऊर्जा द्वारा पैदा की जाती है जी उसनों कहने असी सोलर सैल। ठीक है जी, जो जल ऊर्जा द्वारा पैदा की जाती है जी बिजली उसनों कहने जी हाइड्रो टरबाइन। ठीक है जी, ये सारे नाम ने इसद कि किस दे द्वारा बिजली पैदा की जाती है जी। यांत्रिक द्वारा साढ़े को आ गया जी जनित्र। ठीक है जी, तो रसायनिक ऊर्जा द्वारा आ गया साढ़े को सैल। ठीक है जी, तो प्रकाश ऊर्जा द्वारा आ गया सोलर सैल। ठीक है जी, जल ऊर्जा द्वारा आ गया हाइड्रो टरबाइन। ठीक है जी, इन्हों सारे द्वारा ही जो बिजली ऊर्जा है वह प्राप्त की जा सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े को जी, इन्हों विचों केड़ा बिजली ऊर्जा का परंपरिक स्रोत नहीं है। असी दसने जी इन्हों विचों केड़ा जी जो बिजली ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है गया। ठीक है जी, जो ऊर्जा के स्रोत होंगे ने जी वह दो तरह के होंगे ने। ठीक है जी, एक तो होंगे ने परंपरिक, एक होंगे ने गैर परंपरिक। ठीक है जी, परंपरिक नूं असीं कह दें जी, ठीक है जी, कन्वेंशनल। ठीक है जी, इसनों कह दें असीं नॉन कन्वेंशनल। ठीक है जी, कन्वेंशनल किहड़े होंगे ने जिहड़े असीं लगातार वरतों के लैने। ठीक है जी, वह स्रोत कन्वेंशनल दे विच आ जाते हैं, तो जिस दी वरतों असीं लगातार नहीं करते उसनों असीं नॉन कन्वेंशनल कह दें। ठीक है जी, इस दे विच किहड़े जो
गैर परंपरिक स्रोत है जी, इसका आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए हवा। जो हवा है जी यह गैर परंपरिक स्रोत है, तो बाकी जो ये चारे ने जी गैस कोयला डीजल पेट्रोल यह परंपरिक स्रोत दे विच आते हैं। ठीक है जी, हवा के नाल एक हैगा जी सोलर पैनल। ठीक है जी, सोलर पैनल भी गैर परंपरिक स्रोत दे विच आती है। ठीक है जी, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी इस तो, सो अपने ध्यान दे विच जरूर रखना जी। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी हेठ लिखे विचों केड़ा सही है। असं दसना जी मिली एम्पीयर माइक्रो एम्पीयर तो एम्पीयर विचों केड़ा बड़ा छोटा होंगे जी। जेकर असं बड़े छोटे की गल करिए जो होंगे माइक्रो एम्पीयर। ठीक है जी, ये छोटा होंगे जी मिली एम्पीयर का। ठीक है, मिली एम्पीयर छोटा होंगे जी एम्पीयर तो। ठीक है जी, तो साढ़े को सारे नालों बड़ा आ गया जी एम्पीयर। ठीक है जी, फिर वो तो छोटा मिली एम्पीयर, वो तो छोटा माइक्रो एम्पीयर। ठीक है जी, तो इन्होंने साडा सही आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर डी कि मिली एम्पीयर बड़ा होंगे माइक्रो एम्पीयर तो। मिली एम्पीयर है जो वह बड़ा है जी माइक्रो एम्पीयर तो। ठीक है जी, तो यह कथन बिल्कुल सही है जी ऑप्शन नंबर चार। जेकर साढ़े को एवें सिचुएशन हो गए तो यह निशान जिहड़े पासे मूँह खुला होंदा है उसका अर्थ होंदा है कि यह बड़ा है यह छोटा है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों केड़े विचों बिजली लंघ सकती है। असीं दसना इन्हां दे विचों किस विचों बिजली आसानी नाल लंघ सकती है। ऑप्शन है साढ़े कोल पानी, त्रीलिंब, मनुखी शरीर, कापर या सारे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई सारे। सारे दे विचों ही बिजली आसानी दे नाल लंघ सकती है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी लाउड स्पीकर विच केड़ी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा विच बदलती है। तो इसका सही आंसर साढ़े कोल आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी बिजली ऊर्जा। बिजली ऊर्जा जो ध्वनि ऊर्जा दे विच बदलती है। ठीक है जी, लाउड स्पीकर दे विच। ठीक है जी, ध्वनि ऊर्जा नूं बिजली ऊर्जा विच बदलने लई किहदा प्रयोग किया जाता है जी? इसलिए माइक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, जेकर असीं ध्वनि ऊर्जा नूं ठीक है जी बिजली ऊर्जा दे विच बदलना है। ठीक है जी, उस दे लई माइक का प्रयोग किया जाता है। जेकर असीं बिजली ऊर्जा नूं ठीक है जी ध्वनि ऊर्जा दे विच बदलना है तो उस लई स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो साढ़े को आंसर आएगा जी लाउड स्पीकर केड़ी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा विच बदलती है, यह जी बिजली ऊर्जा। ठीक है जी, बिजली ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा के बदलती है। ठीक है जी, लाउड स्पीकर के। नैक्सट क्वेश्चन है जी शुद्धिकरण का प्रयोग किस प्रक्रिया विच किया जाता है। असं दसना जी जो शुद्धिकरण का प्रयोग होंगे जी वह कि प्रक्रिया के किया जाता है। तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी निकल लेपन। निकल लेपन के शुद्धिकरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, चालक की लंबाई बढ़ाने नाल की वाधा है। जो कोई भी कनैक्टर होंगे जी ठीक है जी जिसनों असं तार कह सकते हैं जी, जो असी उसकी लंबाई वधा दें जी तो उस नाल की वाधा है जी करंट वोल्टेज पावर या प्रतिरोध। तो इसका साढ़े को आंसर क्या जी ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। असी किसी भी तार की लंबाई जेकर वधा देवे जी उस नाल उस दे विच जो करंट है जी वह घटना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, अते जो प्रतिरोध है जी वह बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, जो साढ़े मोबाइल चार्जर होंगे ने जी वह तो ही बहुत ही छोटी तार वाले होंगे ने। ठीक है जी, ता कि उस दे विच प्रतिरोध घट आए। जेकर असी गल करिए जी उस विच असी करंट वधा किवें सकते हैं तो जो तार दा ठीक है जी
यह एरिया होंगे जेकर इस बढ़ा दिता जाए ठीक है जी फिर प्रतिरोध भी घट जाता है तो असं इस तरह प्रतिरोध को घटा भी सकते हैं ठीक है जी। जेकर असं सिंपली गल करिए कि चालक की लंबाई बढ़ाने की होंगे तो वह प्रतिरोध को बढ़ाता है ठीक है जी। कोई भी चालक है जो उसकी लंबाई असं बढ़ावे उस नाल प्रतिरोध दे विच वाधा जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ज़्यादा इंसुलेशन रजिस्टेंस मापन लई वरतते हाँ जो बड़िया इंसुलेशन वाली रजिस्टेंस होंगे ने जी उस असी केड़ा मीटर वरतते हैं जी। साढ़े को ऑप्शन है जी ओम मीटर वाट मीटर या मैगर तो इसका सही आंसर आ जाएगा साढ़े को ऑप्शन नंबर सी मैगर। जो बड़िया रजिस्टेंस होंगे ने इंसुलेशन वाली जी उन्हां नूं मापन दे लई मैगर वरते जाता है ठीक है जी। जो वाट मीटर होंदे जी यह वोल्टेज नूं मापदा है अते जो ओम मीटर है यह रजिस्टेंस मापदा है। पर जिहड़ियां वड्डियां रजिस्टेंस होंदियां ने ज़्यादा इंसुलेशन वालियां जी उन्हां नूं मैगर मापदा है ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असीं। मकैनिकल ऊर्जा की इकाई की है साढ़े को ऑप्शन ने जी जाउल कैलरी कोलम या इन्हों कोई नहीं तो इसका सही आंसर साढ़े को आ जाए जी ऑप्शन नंबर ए जाउल ठीक है जी। जो मकैनिकल ऊर्जा की इकाई है जी वह जाउल है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। थर्मल ऊर्जा या ताप ऊर्जा की इकाई की है पहला साढ़े तो पूछे गए सी मकैनिकल ऊर्जा जी हूँ जी थर्मल ऊर्जा या ताप ऊर्जा इसकी इकाई की होगी जी। इसका सही आंसर है साढ़े को ऑप्शन नंबर बी कैलरी ठीक है जी। कैलरी इसकी इकाई है जी थर्मल ऊर्जा या ताप ऊर्जा की। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ने जो कि तुहानू पेपर दे विच कम आउणगे। पी पी ई का पूर्ण रूप की है असीं दसणा पी पी ई की फुल फॉर्म की ऑप्शन तुहाडे सामने ने इसका सही आंसर साढ़े कोल आ जाऊगा जी ऑप्शन नंबर बी परसनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ठीक है जी। जो कि कोई भी काम कर रहा व्यक्ति ठीक है लाइना ते काम कर रहे उस लई जो कि जरूरी होंगे ने ठीक है जी। जिदे विच हैलमट ऐनक ठीक है जी पैर हो गए ठीक है जी सारे ही जो भी परसनल इक्विपमेंट्स होंगे ने ग्लव्ज हो गई वो सारे इस दे विच आ जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असीं। खंबे नूं धरती विच किन्ना डूंगा कढ़ना चाहिदा है जो कि असी कनैक्टर फड़न लई खंबे का प्रयोग करते हैं ठीक है जी। जिन्हां ते तारां नूं बन्निया जांदा है उस दे लई जो उसका टोआ ही किन्ना डूंगा पटना चाहिए किन्ना खंबे नूं धरती दे विच कढ़ना चाहिए तुहाडे सामने ऑप्शन है जी तो इसका सही आंसर साढ़े कोल आ जाए जी ऑप्शन नंबर बी एक वटा छे भाग। जो भी खंबे की लंबाई या लेंथ होंदी है जी उसका एक वटे छे भाग धरती दे विच कढ़ना चाहिए है। मान लो जी साढ़े कोल एक 30 फुट का ठीक है जी खंबा है ठीक है जी। जेकर इसकी गल करिए असीं तो उसका एक वटे छे भाग किन्ना हो गया जी 6 5 30 5 फुट ठीक है जी। तो उसका 5 फुट धरती दे विच कढ़ना जरूरी होंदा है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असीं। बिजली थर्मल प्लांट विच कोले विच राख की मात्रा किन्नी होनी चाहिए है जो थर्मल प्लांट होंगे ने ठीक है जिथे कोला वरत्या जाता है उस विच राख की मात्रा वरती जाती है जी किन्ने परसेंट वरतनी चाहिए है जी। ऑप्शन तुहाडे सामने ने जी 20 30 40 तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20%
तो उस दे विच जो राख की मात्रा जी ठीक है कोले दे विच वह 20% होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन देख दें असी, बल्ब का पावर फैक्टर कितना होता है? तो इसका सही आंसर साढ़े को आ जाए जी ऑप्शन नंबर ए एक, ठीक है जी, बल्बों का पावर फैक्टर एक होता है। नैक्सट क्वेश्चन जी, सर्विस लाइन विच लकड़ी के खंभे विचकार दूरी कितनी होती है? जो सर्विस लाइन के विच जिथे लकड़ी के खंभे वरते जाते हैं जी उन्हां विचकार जो दूरी है जी ठीक है जी सैग कितना होना चाहिए? तुहाडे सामने ऑप्शन है जी 40 तो 50 मीटर, 50 तो 60 या 20 तो 30। तो इसका सही आंसर साढ़े को आ जाएगा जी 40 तो 50 मीटर, जो एक खंभे तो ठीक है जी दूसरे खंभे की दूरी है जी वह 40 तो 50 मीटर होनी चाहिए है, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को, बल्ब के फिलामेंट का पिंगलन अंक कितना होता है? जो बल्ब का फिलामेंट होंगे जी ठीक है जी, फिलामेंट के कादा होंगे जी, यह टंगस्टन धातु का होंगे जी ठीक है जी, जो बल्ब का फिलामेंट होंगे इसका पिंगलन अंक दसना जी असी कितना होंगे? इसका सही आंसर साढ़े को आ जाए जी ऑप्शन नंबर सी 3455 डिग्री, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देख दें जी असी, सैलां नूं पैरेलल विच जोड़न नाल की वाधा है? असी दसना जी कि जदों असी सैलां नूं पैरेलल दे विच जोड़दे हां जी उस नाल की वाधा है जी। तो इसका सही आंसर आ जाऊगा जी साढ़े कोल ऑप्शन नंबर ए करंट, ठीक है जी, जो सैलां नूं असी पैरेलल दे विच जोड़दे हां जी उस नाल करंट वाधा है, जेकर असी उन्हां नूं सीरीज विच जोड़दे हां जी उस नाल की हुंदा है जी उस दे विच जो वोल्टेज हुंदी है जी वह सारी आपस दे विच जुड़ जाती है, ठीक है जी, अते उस नाल वोल्टेज दे विच वाधा हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असी, करंट नूं वधन घटन तो कौन रोकता है? इसका सही आंसर साढ़े को आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी इंडक्टर, जो इंडक्टर है जी वह करंट नूं वधन घटन तो रोकता है जी, ठीक है जी, जो कपैसिटर होंदा जी यह वोल्टेज नूं पूरा करन दा काम करदा है, ठीक है जी, जो प्रतिरोध है जी यह करंट दे विच रुकावट पाउंदा है, ये तुहानूं पता ही है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असी, स्टार कनैक्शन विच की हुंदा है? जो स्टार कनैक्शन हुंदा जी उस दे विच असी दसना जी की हुंदा, साढ़े ऑप्शन ने जी 3 फेस 1 न्यूट्रल, 1 फेस 1 न्यूट्रल, 2 फेस 1 न्यूट्रल जां इन्हां विच्चों कोई नहीं। स्टार कनैक्शन की गल कर रहे हैं असी, तो इसका सही आंसर आ जाए साढ़े कोल ऑप्शन नंबर ए 3 फेस 1 न्यूट्रल, ठीक है जी, ये स्टार कनैक्शन दे विच हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन है जी, डेल्टा कनैक्शन दे विच असी दसना जी की हुंदा, तां जो 3 फेस 1 न्यूट्रल सी इहदा स्टार कनैक्शन दे विच आ गया, ठीक है जी, जो डेल्टा कनैक्शन है जी इस दे विच कोई भी न्यूट्रल नहीं हुंदा, केवल 3 फेस हुंदे ने, ठीक है जी, ये गल तुसी ध्यान दे विच रखनी है कि कोई भी इस दे विच न्यूट्रल नहीं हुंदा, इस दे विच 3 फेस हुंदे हन। जो स्टार अते डेल्टा कनैक्शन हुंदे जी उस दे विच जो फेसां दे रंग हुंदे ने जी ओह रैड येलो एंड ब्लू होंदे ने, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असी, फेसां विचकार फासला कितना हुंदा है? जो 3 फेस हुंदे ने
ठीक है जी। असी बी क्रॉस दी सहायता नाल तुहानू समझाने जी। जो इत कनैक्टर मने जाते हैं ठीक है जी, एक इत्थे दी एक इत्थे दी, इन्हां दे विचकार जो ये फासला है जी ठीक है जी, ये कितना होंदा ये साढ़े तो पुछे गए जी। तो इसका सही आंसर आ जाए साढ़े को ऑप्शन नंबर सी 120 डिग्री ठीक है जी। फेसां दे विचकार जो फासला होंदा जी वह 120 डिग्री होंदा है। जो कपैसिटर होंदा वह किसी बदन घटने तो रोकता जी। तो साढ़े को ऑप्शन ने जी करंट, वोल्टेज, पावर। दसने कि आंसर आऊगा कि कपैसिटर किसी के बदलाव घटाने के हेल्प करता जी। तो यह तो साढ़े को सही आंसर आ जाओ जी ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज। जो कपैसिटर होंगे जी वह वोल्टेज में बधाने घटाने के हेल्प करता है ठीक है जी। जिथे साढ़े को एरिए ठीक है जी लोड ज़्यादा होंगे ठीक है जी, उत्थे असी कपैसिटर की वरतों कर लें। तो जो वह लोड घट जाते जी ठीक है जी, उस समय असी उन्हें कपैसिटर उतार दें। तो यह वोल्टेज में बधाने घटाने के हेल्प करता है जी जो कपैसिटर होंगे। तो जो कपैसिटर होंगे जी इसकी जो सब तो छोटी इकाई है जी वह है जी माइक्रो फैरड ठीक है जी। तो जो इसकी बड़ी इकाई है जी वह है जी मैगा फैरड ठीक है जी। ये तुसीं गल्लां ध्यान दे विच रखनियां ने जी। जो इसकी छोटी इकाई है जी कपैसिटर की वह माइक्रो फैरड है, बड़ी मैगा फैरड है ठीक है जी। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कपैसिटर केड़ी एनर्जी स्टोर करता है। जो कपैसिटर है जी ये केड़ी एनर्जी स्टोर करता है जी। साढ़े को ऑप्शन है जी इलैक्ट्रोस्टैटिक, मैगनेटिक, कैमिकल ठीक है। असं दसना केड़ी एनर्जी नूं स्टोर करते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए इलैक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ठीक है जी। जो कपैसिटर होंगे जी उस इलैक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होंगी है। जो मैगनेटिक एनर्जी है जी यह इंडक्टर दे विच स्टोर होंगी है ठीक है जी। जो कैमिकल एनर्जी है यह बैटरिया दे विच स्टोर होंगी है ठीक है जी। ये तुसीं ध्यान दे विच रखना जी। सो असीं ध्यान दे विच रखना जी जो इलैक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है यह कपैसिटर दे विच होंगी है ठीक है जी। जो मैगनेटिक है यह इंडक्टर दे विच होंगी है ठीक है जी। तो जो कैमिकल है यह बैटरिया दे विच होंगी है ठीक है जी। ये चिन्ह ने जी ठीक है जी कपैसिटर का होंगे जी, तो इंडक्टर का होंगे ठीक है जी। ये साढ़े को इंडक्टर का जी, तो ये साढ़े को कपैसिटर का ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसी सप्लाई विच हाफ साइकिल कितनी डिग्री ते बनता है। जो एसी सप्लाई दे विच साइकिल बनते हैं जी ठीक है जी, ये तुहाडे सामने ने जी। ये साढ़े को दो साइकिल ने जी कंप्लीट ठीक है जी। एक साइकिल इत्थे पूरा हो रहा है जी, एक इत्थे ठीक है जी। ये साढ़े को दो साइकिल बन रहे हैं। तो जो एक साइकिल है जी ये 360 डिग्री ते कंप्लीट होंगे ठीक है जी। साढ़े तो पूछे गए जी हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल है जो वह जी इत्थे कंप्लीट होगा ठीक है जी। तो यह साढ़े को 180 डिग्री ते कंप्लीट होगा ठीक है जी। जो हाफ साइकिल है एसी सप्लाई दे विच यह 180 डिग्री ते कंप्लीट होगा। जेकर साढ़े को पूछा जाए कि पूरा जो पूरा जी वह 360 डिग्री ते कंप्लीट होंदा ठीक है जी। इस दे विच पॉजिटिव साइकिल भी होंदे ने ते नैगेटिव भी होंदे ने। जो ये तुहाडे सामने ठीक है जी उपर वाले ने ठीक है जी, ये ने पॉजिटिव ठीक है जी। जो ये नीचे वाले ने यह की ने नैगेटिव ठीक है जी। दो तरह के साइकिल बनते हैं। तो इसका साढ़े को सही आंसर की आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर
सी 180 डिग्री। ठीक है जी, आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी केड़ी एनर्जी पैदा कर दी है, जहाँ असं कह सकते हैं कि स्टोर कर दी है। ठीक है जी, असं पिछले क्वेश्चन के करके आए हैं जी कि बैटरी केड़ी एनर्जी स्टोर कर दी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी कैमिकल एनर्जी। ठीक है जी, जो बैटरी है जी वह कैमिकल एनर्जी नू स्टोर कर दी है। जो मैगनेटिक है जी ये असं दसिया जी किनू कर दी जी, यह इंडक्टर दे विच स्टोर होंदी है, ते जो इलैक्ट्रोस्टैटिक है यह कपैसिटर दे विच स्टोर होंदी है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी असी, नैक्सट क्वेश्चन है जी एसी सप्लाई विच पॉजिटिव साइकिल किन्ने बनते हैं, असं पिछे करके आए जी क्वेश्चन। ठीक है जी, कि जो साइकिल होंदे ने पॉजिटिव भी होंदे ने ते नैगेटिव भी होंदे ने, इत्थे साडे कोल पहला साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो इत्थे दूसरा जो ये उपर वाले ने। ठीक है जी, ये साढ़े कोल पॉजिटिव साइकिल ने। ठीक है जी, पॉजिटिव, तो जो ये नीचे वाले ने, ठीक है जी, यह नैगेटिव ने। ठीक है जी, तो इसका आंसर की आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी 50। तो साढ़े कोल 50 नैगेटिव बनते हैं, ठीक है जी, तो 50 पॉजिटिव बनते हैं। जे साडे कोलों पुछे जांदा जी कंप्लीट किन्ने बनते हैं, तो इसका आंसर आ जाए जी ऑप्शन नंबर सी 100। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असी, कॉमन बेस एम्पलीफायर विच सब तो वध हुंदा है, जो कॉमन बेस एम्पलीफायर होंदे ने जी, ठीक है जी, उस दे विच साडे कोलों पुछे गए जी सब तो वध की हुंदा है। जो ये एम्पलीफायर होंदे ने जी यह तीन प्रकार के होंगे ने जी, एक तो वोल्टेज एम्पलीफायर होंगे ने, ठीक है जी, एक करंट एम्पलीफायर तो एक पावर एम्पलीफायर, तीन प्रकार के होंगे ने यही। जो कॉमन बेस एम्पलीफायर विच सब तो वध हुंदा जी वह हुंदा जी वोल्टेज गेन। ठीक है जी, तो जो सब तो घट हुंदा जी जेकर साडे तो घट पुछ लिया जाए वह हुंदा जी करंट गेन। ठीक है जी, ये सी एम्पलीफायर, अगे भी इस नाल संबंधित क्वेश्चन आएंगे जी। नैक्सट क्वेश्चन है जी साढ़े को, 6 पोल इंडक्शन मोटर विच इलैक्ट्रिकल डिग्री पता करो। एक मोटर है साढ़े को, ठीक है, इंडक्शन जिस 6 पोल ने, उसकी इलैक्ट्रिकल डिग्री पता करनी असी। इसका फार्मूला होंगे जी 180 डिग्री गुणा जिन्हें पोल ने, पोल ने साढ़े को 6, तो इसका साडे को आ गया जी 1080 डिग्री। ठीक है, साढ़े को ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर बी 1080 डिग्री, जो कि 6 पोल इंडक्शन मोटर दे विच होगी। ठीक है जी, आओ जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट है जी, डबल लेयर वाइंडिंग विच कुंडलियां की संख्या होंगी है, जो डबल लेयर वाइंडिंग होंगी है उस कुंडलियों की संख्या कि बराबर होंगी है जी, कोयल बराबर 0.5 गुणा सलॉट दे, कोयल बराबर सलॉट दे होंगी है, कोयल बराबर 2 गुणा सलॉट दे होंगी है, या 4 गुणा सलॉट दे। तो इसका सही आंसर आ जाए जी ऑप्शन नंबर बी कोयल बराबर सलॉट, जिन्हें सलॉट होंगे जी उन्निया ही कोयल होनगियां। ठीक है, डबल लेयर वाइंडिंग दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है जी, एसी सप्लाई विच हुंदा है, जो एसी सप्लाई हुंदे जी अल्टरनेटिव करंट ही, उस दे विच की हुंदे जी, न्यूट्रल हुंदा है, फेस हुंदा है, जां दोवें हुंदे ने। इसका सही आंसर आ जाए साढ़े कोल ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल अते फेस दोवें। जो साढ़े कोल डीसी हुंदी है जी उस दे विच केवल फेस हुंदे ने, ठीक है जी, अते जो एसी सप्लाई होंगी जो साडे घरां विच आउंदी है उसदे विच न्यूट्रल भी होंगी है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी साडे कोल, इन्हां विचों किस नूं एमीटर फॉलोअर कहिंदे हन,
एमीटर फॉलोअर दस रहे असी किनू कहने असी इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉमन कलैक्टर। ठीक है, कॉमन कलैक्टर असी एमीटर फॉलोअर भी कहने। ठीक है जी, ये होंगे जी कॉमन बेस, ये हो गया कॉमन एमीटर। जो कॉमन कलैक्टर है जी यह कॉमन एमीटर का दूसरा नाम है। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को एसी मशीन विच कुल इलैक्ट्रीकल डिग्री पता करने का फार्मूला। तो ये साढ़े को दो फार्मूले ने जी, एक होंगे जी 180 डिग्री, ठीक है जी, गुणा कर दो जी पोलों के नाल। ठीक है जी, एक होंगे जी 360 डिग्री न गुणा जी पेयर ऑफ पोल। ठीक है जी, पेयर ऑफ पोल। तो इतने साढ़े को जी 360 डिग्री गुणा पोलों के जोड़े, मतलब पेयर ऑफ पोल। ठीक है जी, जेकर सानू पोलों के जोड़े दिते हुए ने तो असं 360 डिग्री नाल गुणा करनी है जी। जे साढ़े को कल्ले पोल दिते हुए ने तो असी 180 डिग्री नाल गुणा करनी है। ठीक है जी, तो साढ़े को आंसर आ जाऊगा जी कुल इलैक्ट्रीकल डिग्री की होगी। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल, इन्हां विचों केड़ा वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं है। जेकर असीं एम्पलीफायर की गल करिए जी तो यह इनपुट सिग्नल होंदे ने जो उन्हां नूं आउटपुट दे विच वधा के देण दा काम करदा है। ठीक है जी, अते यह एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर भी होंदे ने, करंट एम्पलीफायर भी होंदे ने ते पावर एम्पलीफायर भी होंदे ने। ठीक है जी, जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होंदा जी वह सब तो ज़्यादा काम दे विच लिया जाता है। ठीक है जी, अते कॉमन बेस एम्पलीफायर होंदे जी जो उसकी वोल्टेज गेन सब तो ज़्यादा होंदी है, सब तो बेस्ट मने जाते हैं। जेकर असी इस विच गल करिए कि केड़ा एम्पलीफायर नहीं है, वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं है, तो इस दे विच साढ़े कोल आ जाऊगा जी कॉमन कलैक्टर। ठीक है जी, जो कॉमन कलैक्टर होंदा जी वह वोल्टेज एम्पलीफायर दे विच नहीं गिणा जाता, क्योंकि इसका जो वोल्टेज गेन है जी वह एक तो घट होंदा। ठीक है जी, इसलिए इसका आंसर आ जाए साढ़े कोल कॉमन कलैक्टर, जो कि एक वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल, ऑडियो एम्पलीफायर किन्नी फ्रीकुएंसी तक वरते जाते हैं। जो ऑडियो एम्पलीफायर होंगे ने जी वह किन्नी फ्रीकुएंसी तक वरते जाते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज़ तो लैके 20 किलो हर्ट्ज़ तक। ठीक है जी, ऑडियो एम्पलीफायर 20 हर्ट्ज़ तो 20 किलो हर्ट्ज़ तक वरते जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े को, 24 स्लॉट 4 पोल इंडक्शन मोटर विच पोल पिच का मान की होगा। असी पोल पिच का मान दसना जी की होगा, साढ़े को 24 स्लॉट ने, ठीक है जी, और 4 पोल ने, इसदे विच दसना असी पोल पिच की होगी। इसका एक फार्मूला होंदा जी पोल पिच पता करन दा, की होंगे जी स्लॉट डिवाइड बाय पोल। ठीक है जी, ये पोल पिच पता करने का फार्मूला जी। तो साढ़े को स्लॉट किन्ने ने जी 24, पोल ने साढ़े को 4, कि आ गया जी 6। तो पोल पिच साढ़े को आ गई जी 6। ठीक है जी, तो इसका आंसर साढ़े को बी आ जाएगा जी, 24 स्लॉट 4 पोल इंडक्शन मोटर विच पोल पिच 6 होगी। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी असी, पोल पिच पता करन दा सही फार्मूला जी हुणे असी करके हटे जी, की आंसर आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी स्लॉट डिवाइड बाय पोल। ठीक है जी, स्लॉट डिवाइड बाय पोल। ठीक है जी, उस दे नाल असी पोल पिच पता कर सकते हैं। आओ जी हुण असी रीजनिंग पार्ट देख लैने, जिस दे सानू इस पेपर दे विच 10 प्रश्न आने नेगे।
जो कि बिल्कुल आसान होंगी है जी। आओ शुरू करते हैं। जिम्मे पहला क्वेश्चन है साढ़े को 67-68-81-97-122 लड़ी असी पूरा करना है। असं दसना उरे की आऊगा जिमें 97 ते 122 के विचकार किन्ने का गैप है जी 25 का, 81 ते 97 के विचकार 16 का, ठीक है जी। एवें असी गैप देखना तो अगे देखना की बनता है। जिमें 25 की स्केयर है जी 5 का, 4 की स्केयर है मतलब कि 16 का, ठीक है जी। एवें ही जो इत्थे आऊगा साढ़े को स्केयर होगा जी 3 का, ठीक है जी। उहदे विच गैप 3 दे स्केयर का होगा, 3 का स्केयर किन्ना होंदा है 9। 81 दे विचों जेकर असीं 9 कढ़ाएं किन्ना रह जूगा जी साढ़े को 72, ठीक है जी। और 72 आ जूगा तो असीं अगे ही मिला सकते हैं, उरे 3 का स्केयर का गैप है, अगे 2 का हो जूगा, 2 का किन्ना हो गया 4, 72 चो 4 कढ़े 68, ठीक है जी। तो यह सारी लड़ी आपस दे विच सीकुएंस सही बनूगा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असी, हेठ लिखे शब्दों को तरतीब वार लगाओ। जिमें इंग्लिश दे विच साडे अल्फाबैट होंदे ने उहदे अकॉर्डिंग लाने नेगे कि सब तो पहला अल्फाबैट किहड़ा होंदा उहदे अकॉर्डिंग असी दसना है। जिमें पहले दे विच TT है सारे, ठीक है जी। नैक्सट दे विच ए किहड़े ते है जी 3 दे विच, तां साडे कोले 3 पहला आजूगा, उस तों बाद ए चला गया, ठीक है जी। साडे कोल इहनां दे विचों देखणा असी पहला किहड़ा होगा, हुण इहदे विचों आजूगा जी ओ वाला, ठीक है जी। नंबर 2, ठीक है जी। हुण इह दोनों चले गए, इहनां दे विचों किहड़ा होगा जी, इहदे विचों आर वाले आ जाणगे, ठीक है जी। आर वाले भी दो ने, AAPF ये 4 वाला आजूगा जी पहला, इहदे विच F पहला आई हुई है, इहदे विच PF तों बाद च आउंदी है। 3 2 4, 3 2 4 वाला ऑप्शन किहड़ा जी, ऑप्शन नंबर C, ठीक है जी। एवें असीं लभणा हुंदा डिक्शनरी दे अकॉर्डिंग कि जिवें पहला A आउंदी है फिर B आउंदी है, जिहड़ा निकल जांदा उहनूं कट्टणा है ते दूसरे नूं देखणा। जिवें इह दोनों रह गए लास्ट दे विच, इहनां दोनों नूं देखणा। नैक्सट क्वेश्चन है जी, हेठ लिखियां विच्चों अलग लभो। असीं अलग लभणा जी किहड़ा इहदे विच्चों, तो इहदे विच असीं जेकर अलग देखिए तो जेकर 216 नूं देखिए तो ये 6 का स्केयर है मतलब कि क्यूब है, 6 × 6 × 6 216 होंदा हैगा, जो 1331 है ये 11 का क्यूब है, ठीक है जी। 11 × 11 × 11 तो जिहड़ा 343 है ये 7 का क्यूब है, 7 × 7 × 7 343 होंदा है। जो 99 है ये किसी का भी क्यूब नहीं है ना ही स्केयर है, तो ये उत्तर आ जाएगा जी इसका ऑप्शन B, ठीक है जी। हेठ लिखे विचों सही केड़ा है। जिमें सानू एक एग्जाम्पल दी हुई है कि लंबाई नू फुट दे विच मिणिया जांदा है, ठीक है जी। असीं किस नू किलोग्राम दे विच मिणदे हाँ, यह हो जूगा जी भार नू, ठीक है जी। भार नू ला लो जां वजन नू ला लो, ठीक है जी। इहनू असीं किलोग्राम दे विच। नैक्सट क्वेश्चन देखदे हां असीं, हेठ लिखी लड़ी नू पूरा करो। 4 12 36 108 इहदे विच इक सीकुएंस बन रहा है 4 × 3, ठीक है जी। 12 हो गया ते अगे 12 × 3 36 हो गया, ते अगे 36 नू 3 नाल करांगे 108 आ जाऊगा, 108 नू अगे 3 नाल करांगे 324 आ जाऊगा, ठीक है जी। उरे किन्ना आ जाऊगा जी 324। तो ये बिल्कुल आसान होंदे ने, थोड़ी प्रैक्टिस की लोड़ होंदी है। सही उत्तर लभना सी इहदे विच्चों 1 6 16 36 76 असीं उरे दसणा की आऊगा। जिवें 1 दे विच पहलां 5 जोड़ रखे ने, ठीक है जी। फिर 6 दे विच 10 जोड़ रखे ने, 16 दे विच 20 जोड़ रखे ने,
छत्ती दे विच 40 जोड़ते डबल डबल कर रहे हैं। ठीक है जी, हुण 76 दे विच किन्ना आजूगा जी, इहदा डबल किन्ना होगा 80, 76 ते 80 किन्ने हो गए जी 156। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असी। जेकर मद्रास नूं एवें लिखा जांदा है, ठीक है जी, तां शर्मा नूं असी किवें लिखांगे? जो मद्रास है जी, इस नूं एम नूं एन लिख रहे ने, एम किन्ने ते हुंदी है जी 13 ते हुंदी है, ते इन्हां ने एन लिखिया, एन किन्ने ते जी 14 ते, ए किन्ने ते हुंदी है जी 1 ते, इन्हां ने लिखिया बी, बी हुंदा 2 ते, एक एक वधा के लिख रहे ने। ठीक है जी, सारयां नूं एवें ही शर्मा का की आजूगा जी, एस का की आजूगा, टी आजूगा। एस का टी आजूगा, ठीक है जी, एच का आई आजूगा, ठीक है जी, ए का बी आजूगा, ठीक है जी, ते आर का एस आजूगा, एम का की आजूगा जी एन, ठीक है जी, ए का बी आजूगा। इहदा उत्तर आजूगा जी टी आई बी एस एन बी। ठीक है जी, ये ऑप्शन गलत पै गए ने। ठीक है जी, ये उत्तर आजूगा, इन्हां विच यही सीकुएंस देखना होंदा असी जो एग्जाम्पल दित्ती हुंदी है कि एक एक बद के ने जां घट के ने। कई बार एक बद हुंदा पहला ते फिर नैक्सट एक घट हुंदा, फिर एक बद, फिर एक घट। ठीक है जी, ये सीकुएंस ही देखना हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं असी। राम बिंदु ए तो उत्तर वल 5 किलोमीटर जाता है, जेकर असी दिशावां देखिए, यह हो गया जी उत्तर, यह हो गया जी दक्षण, ठीक है जी, ये पूर्व हो गया ते पछम हो गया। राम बिंदु ए तो उत्तर वल जाता है, ठीक है जी, ए तो वह उत्तर वल गया 5 किलोमीटर, ठीक है जी, तो फिर वह सज्जे मुड़दा हैगा, इधर खब्बे हो गया, इधर सज्जे हो गया, इधर मुड़दा वह 10 किलोमीटर गया। ठीक है जी, हुण उसकी दिशा दसो, दिशा दसनी असी केड़ी है इस समय उहदी, ठीक है जी, इधर की सीगा जी साउथ, उपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, तो इधर वैसट हो गया, तो हुण इधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे जी ईस्ट दे वल, मतलब कि पूर्व। ठीक है जी, नौवां क्वेश्चन है जी, ए सी एफ के लड़ी नूं पूरा करो। ए किन्ने ते है जी 1 ते, सी किन्ने ते है 3 ते, एफ किन्ने ते है 6 ते, के किन्ने ते है 11 ते। अगे दसना सी की आऊगा, पहला इन्हां दे विच किन्ना गैप है जी 2 दा, फिर हो गया 3 दा, ठीक है जी, फिर किन्ने दा हो गया 5 दा, हुण अगे किन्ने दा हो जूगा जी 7 दा। 11 च असीं 7 जोड़ा किन्ना आजूगा जी 18, 18 ते की हुंदा जी साडे कोले आर। ठीक है जी, ए बी डी एफ, ए ते बी दे अकॉर्डिंग इन्हां ने डी एफ दित्ता, मतलब ए हुंदे ने 1 ते, बी हो गया 2 ते, डी हो गया 4 ते, एफ हो गया 6 ते। ठीक है जी, एवें ई की है इन्होंने पूछे ई एफ, ई किन्ने ते हो गया जी 5 ते, एफ होंगे 6 ते, इन्हां दे विच 1 का गैप है, इन्हां दे विच 2 का गैप है, एवें ही इन्हां दे विच 1 का गैप है, अगे जो ऑप्शन आऊगा उहदे विच 2 का गैप होगा। 2 का गैप देख लो असी किहड़े दे विच है, एच होंगे जी 8 ते, आई होंगे 9 ते, इन्हां दे विच 1 का गैप है, एच है जी 8 ते, जे हो गया 10 ते, तो इन्हां दे विच 2 का गैप है, बी उत्तर आजूगा जी एच जे। ठीक है जी, तो ये सीगे साढ़े रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि तुहानूं वधिया लगे होणगे, इहो जिहे क्वेश्चन ही पेपर के विच आउणगे, सो तुसीं प्रैक्टिस जरूर करनी है। आओ जी हुण असीं पंजाबी पार्ट शुरू करदे हां, जिस दे विच साढ़े कोल 20 क्वेश्चन आणगे पंजाबी दे।
जिवें साडे कोल पहला क्वेश्चन है जी, सीता गा रही सी, इस वाक विच किरिया शब्द दसना सी किहड़े किहड़े ने। सीता गा रही सी, जिथे किरिया हो रही है एक तो गा हो गया, इस भी किरिया हो रही है गा रही है, एक रही ये भी चल रही है ठीक है जी किरिया, सी मतलब पास्ट च कोई चीज़ हो रही सी ये भी किरिया का ही अंश ही, तो ये साढ़े को आ जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी गा रही सी। ठीक है, जेकर असी पहले ऑप्शन में देखिए सीता गा रही, सीता की है जी ये नाम शब्द है एक, ठीक है ये किरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असं वाक विच उदेश किथे विचरदा है, एक हुंदे जी साडे कोले उदेश ठीक है जी, ते एक हुंदा विधे, उदेश ते विधे, जो उदेश हुंदे जी ओह वाक दे आरंभ विच हुंदा, ते जो विधे हुंदी है यह अखीर विच हुंदी है। ठीक है, ये तुहाने याद रखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसमीत कौर पढ़ रहा है, वाक विच किस तरह की गलती है, ये है जी नाम अनुसार किरिया नाल संबंध, ये गलती है जी। ठीक है जी, जसमीत कौर पढ़ रहा है, जसमीत कौर की है जी यह एक स्त्रीवाचक नाम है ठीक है जी, ते पढ़ रहा है यह एक पुरखवाचक हो गया किरिया है, यह पुरखवाची किरिया हो रही है, तो इसका क्या आजगा जी जसमीत कौर पढ़ रही है। ठीक है, इस दे विच यही गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगा काम करन विच कोई डैश नहीं हुंदी, ये असी फिलिंग ब्लैंक्स भरनी सी, इसका आजगा जी संघ। ठीक है, ये नेक्स्ट साढ़े को पै रहा जी जो कि छेवें क्वेश्चन तो दसवें क्वेश्चन तक है, तो यह पैरे विचों पढ़ के उत्तर देने होंगे ने गे। ठीक है जी, ये तुसी सारे बिल्कुल सौखे तरीके नाल दे दोगे। नैक्सट साडे कोल केड़ा शब्द शुद्ध है, इन्हां विच दसना सी केड़ा शुद्ध सही लिखा होया शब्द, ये सुंदर है जी, ये सुंदर, ये सुंदर, ये है जी सुंदर, इन्हां विच इह सही है जी। गुरमुखी लिपि विच किन्ने स्वर वाहक हन, स्वर किहड़े हुंदे ने जी, ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी। ठीक है जी, जे सानू पुछ लैण कि स्वर किन्ने हुंदे ने तां इह तिन्ने स्वर ने। ठीक है जी, जे सानू पुछ लैण स्वर वाहक किन्ने ने तां वी इह तिन्ने होणगे। ठीक है जी, यही ने तिन्ने ऊड़ा आड़ा ईड़ी। जे सानू पुछ लैण स्वर वाहक धुनियां तो यह साढ़े को दस ने। ठीक है जी, जिमें आ ई ऊ ए ओ ए कुल मिला के दस ने। ठीक है जी, तो सानू पूछे स्वर वाहक किन्ने ने तो तीन आ जूगा, जे स्वर वाहक धुनिया पुछा तो दस आ जाता, जे स्वर पुछा केवल तो भी तीन ही आना सीगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा स्कूल जा रहा है, इस वाक विच मुंडा की है, मुंडा की है जी नाम शब्द है। ठीक है जी, ये विचों जेकर असीं देखिए किरिया कीड़ी है जा रहा। ठीक है जी, जो जा रहा है जी इस दे विच यह किरिया है। रहस विच जाकड़ी मैं उस वल वेखी रही हाँ, वाक विच केड़ा शब्द सही नहीं है, इन्हां विच दसना है गलती केड़ी है वाक दे विच, उस वल वेखी वेखी नहीं आऊगा, इस विच आऊगा वेख, उस वल वेख रही हाँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साढ़े कोले, दरख्त शब्द का समान अर्थी शब्द दसो, इदा की आजगा जी रुख। ठीक है जी,
अंग्रेजी विच जिसनू मारफीम कहा जाता है, पंजाबी विच उसनू की कहा जाता है? इसका जो है जी भावांश। ठीक है जी, तू रोटी वेल ते मैं तवी ते पा देनी हाँ। ठीक है जी, ये खाली थां भरनी होंदी ने। चक्खड़ शब्द का समान अर्थी शब्द दसो, इसका क्या आजूगा जी? तूफान। ठीक है, चक्खड़। नैक्सट है जी विरोधी शब्द दसना सी खुशी का, खुशी का की आजूगा जी? उल्ट गमी। ठीक है जी, ये प्रसन्नता हो गई, आनंद हो गया, उत्साह हो गया, ये खुशी शब्द के समान समांतर शब्द हैं। ठीक है जी, जो समान अर्थी होंगे ने। कुड़ियां खेड रही हैं वाक विच किस तरह का ठीक संबंध ठीक नहीं है? इस विच असी गलती लभनी केड़ी है? ये जी सहायक किरिया का नाम दे वचन नाल। कुड़ियां खेड रही हन आजूगा। ठीक है जी, है नहीं आऊगा, हन आजूगा। नैक्सट है जी ईमानदार शब्द का विरोधी शब्द दसो, उल्ट दसना होंगे विरोधी की हो जाएगा जी? बेईमान। हुण साढ़े कोले जी के पाठ शुरू हो गया। ठीक है जी, जिस दे विच साढ़े कोले 10 क्वेश्चन आउणगे जी के दे। आओ देखते हैं असी जी के दे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जी, भारत के मशहूर नेतावां विचों किसनू पंजाब का शेर कहा जाता है? पंजाब का शेर किनू कहा जाता है जी? ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। ठीक है जी, ओलंपियन बलबीर सिंह केड़ी खेड विच प्रसिद्ध हस्ती सन? ये क्या जो है जी? हॉकी। जो बलबीर सिंह सीगा वह हॉकी का प्रसिद्ध खिडारी सीगा। इन्हां विचों केड़े सिख गुरु अमृतसर दे बानी सन? इसका की आजूगा जी? ऑप्शन नंबर सी गुरु रामदास। ठीक है जी, नैक्सट है जी, केड़ी संधि ने दूजी एंगलो सिख जंग नूं खत्म किया? केड़ी संधि नाल दूजी एंगलो सिख जंग खत्म हुई सीगी? लाहौर की संधि नाल। नैक्सट है, हेठ लिखियां नदियों विचों केड़ी नदी भारत विच पंजाब राज विचों बगदी है? यह आजूगा जी? ऑप्शन नंबर डी सतलुज। पंजाब विच केड़ी केड़ी नदियां ने जी? सतलुज, रावी ते ब्यास। ठीक है जी, जेड़े सतलुज ते ब्यास ने ये पंजाब दे ने। ठीक है जी, ते जो रावी है जी ये अद्धा पाकिस्तान दे विच जा रहा। ठीक है जी, अद्धा पंजाब दे विच है। पंजाब विच सिख साम्राज का मोढ़ी कौन सीगा? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है जी, सिख साम्राज का मतलब है जिसने कि सिख राज बनाया होवे, सेना वगैरह रखी होवे। ठीक है जी, अपना राज होवे। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि विच लिखा गया सीगा? ये सीगी गुरमुखी लिपि। ठीक है जी, काला हिरन स्थान ब्लैक बक सेंचुरी अबोहर पंजाब के किहड़े जिले विच है? ये जी फाजिलके दे विच। वाघा सरहद भारत के अमृतसर अते पाकिस्तान के किस शहर के विचकार स्थित है? जी लाहौर दे विच, जिन्हों वाघा बार्डर कह दें असी। जयंती डैम किस नदी ते बनाया गया सी? ये जी सूनक नदी। ठीक है जी, ये सीगे साढ़े जीके दे क्वेश्चन।